पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के समन्वय से पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज जयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि देश भर की पुलिस ने कोरोना जैसे आपदा काल के समय लोगों को सहायता प्रदान करने में महती भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-26 तक की अवधि के लिए 26,275 करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय परिव्यय के साथ पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह अम्ब्रेला योजना पुलिस व्यवस्था के लिए कितनी आवश्यक है, अम्ब्रेला स्कीम को आप सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पुलिस से संबंधित किसी भी कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो या किसी अन्य विषयों पर हो, और बार बार उनका ध्यान स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ रहता है। और जो स्मार्ट पुलिसिंग की माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उसका अनुसरण करते हुए कर्तव्यनिष्ठ जनता के प्रति संवेदनशील, आधुनिक, दक्ष, जनसेवा के लिए सदैव तत्पर, उत्तरदायी, विश्वसनीय, तकनीक में प्रवीण और समग्र रूप से सुप्रशिक्षित हो, जो बहुत ही स्मार्ट पुलिसिंग के जो यह मंत्र है इसी आधार पर है। इस देश के सभी पुलिस संस्थाएं, चाहे वह राज्य की हो, केंद्र शासित राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, और बढ़ी है और सफलता प्राप्त कर रही है, यह बहुत ही शुभ संकेत है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलिस संगठनों पर डेटा से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मेलन में जांच के प्रमुख मुद्दों पर जोर देने के साथ ही इसमें नए कानूनों, निर्णयों और अनुसंधानों सहित विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी। की गुणवत्ता में सुधार एवं इसके प्रभावी अभियोजन को सुरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार विमर्श करना है, और विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मैं सम्मेलन में उपस्थित सभी डेलीगेट्स से अपनी आवश्यकताओं के बारे में परस्पर विचार विमर्श करने और जांच तथा अभियोजन में सहायता के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोगों को समझने का आग्रह भी करूंगा।